हेलो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपके लिए फिर से एक और नए डिजाइन का डोरमेट बताने वाली हूँ, जिसके लिए यहाँ पे मैंने दो कलर ले लिए हैं और दोनों कलर की वूल को मैंने फोल्ड किया है और यहाँ पे मैंने 10-10 फंदे दोनों कलर से डाले हुए हैं, यानी कि टोटल 20 फंदे मैंने डाले हुए हैं। अगर आप इससे भी बड़ा बनाना चाहती हैं तो आप इसमें ज़्यादा फंदे ले सकती हैं। तो यहाँ पर हमने 20 फंदे ले लिए हैं, 20 फंदों में मैं आपको बताऊँगी। और मैं ये आपको अभी दो कलर ही दिखा रही हूँ, चार कलर में हम इसको बनाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हम दो कलर और लगाएंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं ये प्यारा सा हमारा आपको डोरमेट कैसा लगा। तो आप इसे किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, डोरमेट की जगह या पूजा आसन की तरह। तो चलिए यहाँ पे हम इसको बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आपको बता रहे हैं, बिगनर्स भी आराम से इसको बना सकते हैं, जिन्हें नहीं आता है वो भी आराम से इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये 10 फंदे देखिए ब्लू कलर के बना लिए हैं। इसके आगे के फंदे मैं अपना ये देखिए येलो कलर से बना लेंगे। धागे को इस तरह से पकड़ेंगे और ये वाला धागा हम इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए येलो कलर के दो फंदे बना चुके हैं, तीसरा बना रहे हैं, चार बना रहे हैं, पांच, छह, सात और ये आठ, नौ। नौ फंदे हमने बना लिए, दसवां फंदा मैंने यहीं पे छोड़ दिया है। तो चलिए येलो कलर के जो फंदे हैं मैं एक एक करके उनको इसी तरह से छोड़ लेती हूँ। येलो कलर के फंदे हमने एक एक करके छोड़ने हैं, ब्लू कलर के हमने इसी तरह से ये 10 फंदे ब्लू से बनाते हुए जाना है। तो देखिए यहाँ पे उल्टी सिलाई में हम इस तरह से बनाएंगे। अब ये फंदे हम 10 फंदे इसी कलर से बनाएंगे और धागे को हम इस तरह से आगे लाएंगे, ये देखिए, ताकि यहाँ पे कोई गैप नहीं आए, फिनिशिंग के साथ हमारा बन के कम्प्लीट हो। तो चलिए हम यहाँ पे आपको एक एक करके 10 फंदे छोड़ लेते हैं, यानी कि 9 फंदे मैं छोड़ लेती हूँ, 10वें फंदे पे आपको यहाँ पे फिर दिखाते हैं। लास्ट का फंदा हम सीधा बनाएंगे, ये देखिए। तो चलिए हम यहाँ पे छोड़ लेते हैं ये फंदे, 9 फंदे छोड़ लेती हूँ और इसके आगे आपको 10वें फंदे पे फिर से दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 फंदे हम छोड़ चुके हैं, ये देखिए। अभी 10वां फंदा हमने छोड़ना बाकी है। तो ये देखिए, ये हमने यहाँ पे 9 सिलाइयाँ बना ली हैं। इसके बाद हम यहीं से इसको टर्न करेंगे और हम 10वां फंदा छोड़ने से पहले अपना ब्लू वाले जो फंदे हैं हम ये भी येलो से बना लेंगे इस तरह से, ये देखिए। 10वें फंदे से छोड़ने से पहले हम यहाँ पे अपना ब्लू कलर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 हो चुके हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये देखिए 10 ब्लू कलर के जो फंदे थे, 10 हमने इनमें अपना ये येलो कलर लगा दिया है। अब येलो कलर के ये 10 फंदे भी हम एक एक करके छोड़ेंगे। तो अभी तो हम ये 10 फंदे बना रहे हैं, 2, 4, 6, 6, 7, 8, 9 और ये देखिए 10 10 फंदे मैं बना चुकी हूँ और यहाँ पे ये एक एक करके मैंने 10 फंदे छोड़ दिए हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ये भी एक एक करके ये 10 फंदे हम येलो कलर से ही छोड़ेंगे, इनको भी एक एक फंदा हमने ये भी इसी तरह से छोड़ लेना है। तो चलिए मैं ये 10 फंदे भी अपना छोड़ लेती हूँ और इसके आगे आपको फिर दिखाती हूँ। 10 फंदे छोड़ लेती हूँ ये भी इसी तरह से, इसके आगे आपको फिर दिखाएंगे। तो 10 फंदे हम ये छोड़ लेते हैं एक एक करके, इसी तरह से 10 फंदे हम छोड़ चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये भी यहाँ पे भी अपना
9 फंदे छोड़ लिए हैं एक एक करके, इसी तरह से जिस तरह से ये छोड़े थे उसी तरह से ये 10 फंदे भी मैंने उसी तरह से छोड़ लिए हैं। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे 19 फंदे छूट चुके हैं, ये देखिए इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जिस तरह से हमने फंदे छोड़े हैं उसी तरह से हम एक एक फंदा वो अपना बनाते हुए जाएंगे और सिलाई को यहीं से पलट लेंगे। लास्ट का फंदा हमेशा सीधा बनाना है। तो ये मैं 10 फंदे जिस तरह से ब्लू वाले येलो कलर से बना के छोड़ी हूँ उसी तरह से यहाँ पे 10 फंदे हम ले लेते हैं। जिस तरह से छोड़े हैं उसी तरह इनको एक एक फंदे को ले लेते हैं और इसके बाद आपको फिर दिखाते हैं। यहाँ तक मैं अपने 10 फंदे बना लेती हूँ, ये इसके आगे आपको फिर दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने अपने 9 फंदे बना लिए हैं, अभी 10वां फंदा बाकी है लेना। तो यहाँ पे 3 फंदे बन चुके हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और ये देखिए गैप के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से फंदे 2 उठा लिए हैं और हम यहाँ पे ये देखिए 10वां फंदा बना रहे हैं। तीनों फंदों को एक साथ हम बना लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे आपका सभी गैप, तो यहाँ पे ये देखिए मैंने जिस तरह से छोड़े थे 3-10 फंदे उसी तरह हमने बना लिए हैं। अभी ये 10 फंदे अभी बाकी हैं इसी तरह से छूटे हुए। अब क्या करेंगे हम यहाँ से अपना इसमें इन 10 फंदों में अपना वापस ब्लू कलर को ऐड कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लास्ट का फंदा सीधा 10। अब ये देखिए यहाँ पे हम ये ब्लू कलर के फंदे सभी को हम 10 फंदों को इस तरह से उल्टा उल्टा बना लेते हैं जिस तरह से ये हमने स्टार्टिंग की थी उसी तरह से। और लास्ट में जो वो फंदे हमने 10 छोड़े हैं उनको हम एक एक करके बनाते हुए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने 10 फंदे ये बना लिए, पीछे हमने धागा कर लिया और हम येलो कलर को आगे ले आए हैं और एक फंदा हम यहाँ से बना लेते हैं इस तरह से। तो एक फंदा जिस तरह से एक एक छोड़ा है उसी तरह से हम भी ये भी इसी तरह से बनाएंगे। तो एक फंदा मैंने ले लिया है, अभी 9 फंदे बाकी हैं। जिस तरह से छोड़े हैं उसी तरह से हम बनाएंगे और ब्लू कलर के इसी तरह से 10 फंदे बनते हुए जाएंगे, उल्टा उल्टा इसी तरह से बनाएंगे। तो है ना बिल्कुल आसान इस तरह का। आप ये डोरमैट बड़ा छोटा अपने हिसाब से इसको आप बना सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे 10 फंदे हम बुन रहे हैं ब्लू में, 9 सिलाइयाँ इसी तरह से बनेंगी जिस तरह से ये हमारा बनके कंप्लीट हुआ है, सेम उसी तरह से। अब ये देखिए पीछे हम धागा करेंगे और हम येलो को आगे लाके, तो हम यहाँ पे एक फंदा ये येलो का बनाते हैं और यहाँ से हम ये देखिए गैप के लिए फंदा उठाते हैं इस तरह से। 2 फंदे मैंने उठा लिए और तीसरे फंदे के साथ उसको बना लेंगे इस तरह से, ये देखिए। तो यहाँ पे आपका गैप बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो चलिए मैं ये फंदे भी एक एक करके इस तरह से बना लेती हूँ और ये हम 9 सिलाइयाँ ये बनाई हैं उसी तरह से हम बना के कंप्लीट कर लेते हैं, इसके आगे आपको फिर दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अपनी 9 सिलाइयाँ ये भी बना ली हैं और 9 फंदे हमने यहाँ पे बना लिए हैं। अभी 10वां फंदा बाकी है बनाना हमने, ये देखिए इस तरह से ये हमारा बनके कंप्लीट हो चुका है। अब ये देखिए हम यहाँ पे अपना सभी फंदों को बंद करेंगे इस तरह के। तो ब्लू वाले फंदे 10 फंदे मैं ब्लू से बंद कर लेती हूँ और येल्लो वाले येल्लो से इस तरह से। और यहाँ पे हम ब्लू में अपना तीसरा कलर भी ऐड करेंगे, चौथा कलर नहीं हम लगाएंगे, तीसरा कलर ही हम इसमें ऐड करेंगे अभी ब्लू में। तो देखिए ये मैं ब्लू का फंदा अपना
येलो से बना लेते हैं हम इस तरह से, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये फंदे भी हम येलो से घटा देंगे, धागे को इस तरह से पकड़ेंगे, ये देखिए। तो यहाँ पे सभी फंदों को बंद कर देते हैं और यहाँ पे मुझे अभी येलो में, सॉरी ब्लू में मैं तीसरा कलर ऐड करना है, चौथा कलर हम नहीं लगाएंगे, दो पर इस कलर को भी हम इसी में ऐड करेंगे। तो चलिए हम बना लेते हैं इसको इसी तरह से, सभी फंदों को मैं घटा लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये हमारी पत्ती यहाँ पे बनके कंप्लीट है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी ये चार पत्तियाँ बनके कंप्लीट हैं, सॉरी इसमें मैंने ये चार पत्तियाँ बना ली हैं। और इसी तरह की मैं यहाँ पे दो और बनाऊंगी, यानी कि मुझे चार पत्तियाँ बना के कंप्लीट कर लेनी है। ये कलर भी हम इस कलर की दो पत्तियाँ बनाएंगे और दो हम येलो कलर की और ब्लू कलर की बनाएंगे। यहाँ पे हम ब्लू और इस कलर को भी इसी में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम इसी तरह की चार पत्तियाँ और बना के कंप्लीट कर लेते हैं और इसके आगे आपको फिर दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये चार पत्तियाँ हमारी बन चुकी हैं। दो पत्तियाँ मैंने इस कलर में बनाई हुई हैं और दो पत्तियाँ मैंने इस कलर की बना ली हैं। तो आप चाहें तो इसे एक साथ भी बना सकते हैं, पर मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको पत्तियाँ अलग अलग बना करके इसको हम इस तरह से आपको बता रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो ये सभी पत्तियाँ चारों एक साथ भी आप बना सकते हैं, अगर आपने एक साथ ही बनानी है तो आप अलग अलग बना करके भी इनको जोड़ के आप अपना डोरमेट कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए हम किस तरह से इनको जोड़ेंगे। ये देखिए दो पत्ती मैंने इस तरह से रखेंगे और दो पत्तियां हमने इस तरह से रखनी है, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रखने के बाद इनको हम सिलाई कर देंगे। तो देखिए काफ़ी सुंदर हमारा ये प्यारा सा डोरमेट कंप्लीट है और इसे आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, टेबल मैट की जगह या डोरमेट की जगह। तो देखिए यहाँ पे आप इस तरह से दो पत्तियाँ रख लें, दो पत्तियाँ मैंने इस साइड से रखी हैं और दो पत्तियाँ मैंने इस साइड से। तो ये बिल्कुल इजी तरीके से आप इसको बना सकते हैं और यहाँ पे इस तरह से सिलाई हो सकती है और इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान सा तरीका है, तो मैं इनको इसी तरह से यहाँ पे सिलाई कर लूँगी। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है और बनाने में बिल्कुल ईजी है। चारों पत्तियों को हम अब सिलाई करेंगे इनको। तो यहाँ पे मैं सिलाई कर लेती हूँ, चारों पत्तियों को मैं उल्टा करते हुए इनको इस तरह से सिलाई करूँगी। बिल्कुल ईजी तरीके से हम यहाँ पे इसको इस तरह से सिलाई करेंगे और इसको इस तरह से, तो बिल्कुल ईजी तरीके से चारों पत्तियाँ हमारी जुड़ जाएंगी। तो चलिए मैं सिलाई कर लेती हूँ, इसके आगे आपको फिर दिखाती हूँ।